हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको आई स्क्वायर सी कम्युनिकेशन मेथड के बारे में बताने वाला हूं। आई स्क्वायर सी यानी कि इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कम्युनिकेशन मेथड। ये कम्युनिकेशन मेथड है जिसे यूज करके हमारे सेंसर्स माइक्रो कंट्रोलर के साथ डेटा ट्रांसफर करते हैं। गाइस, आपने जरूर आई स्क्वायर सी के बारे में सुना होगा या फिर आपने कुछ ऐसे सेंसर्स देखे होंगे जिसमें SCL और SDF पिंस होते हैं। तो ये SCL और SDF पिंस आई स्क्वायर सी कम्युनिकेशन मेथड को यूज करके ही माइक्रो कंट्रोलर के साथ डेटा कम्युनिकेट करते हैं। तो गाइस, ये SCL और SDF पिंस क्या होते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे आई स्क्वायर सी कम्युनिकेशन मेथड काम करता है, इसका फ्लो क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गाइस, आई स्क्वायर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स इस कम्युनिकेशन मेथड पर डेटा कम्युनिकेट करते हैं। तो गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको आई स्क्वायर सी के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आई स्क्वायर सी पर जाने से पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जहां पर हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है जो है आर्डिनो और एक डिवाइस है जो है 7-segment डिस्प्ले। तो अब यहाँ पर अगर मुझे इस डिवाइस को कंट्रोल करना है तो मुझे कुछ डेटा सेंड करने पड़ेंगे आर्डिनो से इस डिवाइस को। तो कंसीडर करते हैं कि जो डेटा हमें सेंड करना है वो है 10101010। ये 8-bit डेटा हमें सेंड करना है आर्डिनो से इस डिवाइस को। तो इस डेटा को सेंड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 8 डिजिटल पिंस को यूज़ करूँगा और उस 8 डिजिटल पिंस को मैं हमारे 7-segment डिस्प्ले से कनेक्ट करूँगा और एक एक करके ये पूरे डेटा को सेंड कर दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक 8-bit डेटा को सेंड करने के लिए मैं 8 डिजिटल पिंस को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ पिंस यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। और इसके वजह से अगर मुझे और भी डिवाइसेस माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना होगा तो वो भी मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक डिवाइस के लिए ही 8 डिजिटल पिंस यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज है और इसको ही सॉल्व करने के लिए बनाया गया है आई स्क्वायर सी। आई स्क्वायर सी में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसे हम कहते हैं मास्टर, और जो भी डिवाइस है जिसे हमें कंट्रोल करना है, जिससे डेटा रीड करना है या जिसे डेटा सेंड करना है, उसे कहते हैं स्लेव। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए हमें सिर्फ 2 पिंस का यूज़ होता है, जो होता है SCL और SDA। SCL का मतलब होता है सीरियल क्लॉक और SDA का मतलब होता है सीरियल डेटा। दोनों ही पिंस रजिस्टर के यूज से पुल अप किए हुए रहते हैं VCC को। वो VCC आपके माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो 5V का VCC भी हो सकता है या फिर 3.3V का VCC भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही पिंस SCL और SDA हमेशा हाई रहेंगे इनिशियली, क्योंकि दोनों को ही हम लोग ने पुल अप किया हुआ है रजिस्टर्स को यूज करके। और ये SCL SDA पिंस को यूज करके आप सिर्फ एक ही डिवाइस नहीं बल्कि आप मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और उस मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर मल्टीपल मास्टर्स या फिर मल्टीपल स्लेव्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर डिवाइसेस को डिफरेंशिएट करने के लिए डिवाइस एड्रेसेस का यूज़ होता है। हर एक डिवाइस का अपना एक अलग डिवाइस एड्रेस होता है जिसे यूज़ करके हम उस डिवाइस पे डेटा को सेंड करते हैं या फिर वहाँ से डेटा रिसीव करते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई स्क्वायर सी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम जहाँ पर 7-segment का एग्जाम्पल देख रहे थे वहाँ पर सिर्फ एक 7-segment के लिए हमें 8 डिजिटल पिंस का यूज़ करना पड़ रहा था, और यहाँ पर इतने सारे डिवाइसेस को मैं सिर्फ 2 पिंस को यूज़ करके कनेक्ट कर सकता हूँ और उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और गाइस, यहाँ पर सिर्फ इतने ही डिवाइसेस नहीं बल्कि आप टोटल 128 डिवाइसेस को सेम SCL और SDA पिंस पे कनेक्ट कर सकते हो, और उन 128 डिवाइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो हमारे एक माइक्रो कंट्रोलर से। तो ये है आई स्क्वायर सी का एक बहुत बड़ा फीचर। गाइज, अब हम देखेंगे कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे है, कैसे ये सारे डिवाइसेस को आई स्क्वायर सी को यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं SCL और SDA पिंस से। तो हम इन SCL और SDA पिंस के बारे में आप जानते हैं कि ये कैसे डेटा कम्युनिकेट करता है। सो गाइज, यहाँ पर इसे समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करना होगा जहाँ पर हमारे पास एक मास्टर है और एक स्लेव है। इस मास्टर को, इस स्लेव को एक डेटा सेंड करना है जो है 10101010। अब ये डेटा आखिर कैसे सेंड होगा आई स्क्वायर सी कम्युनिकेशन मेथड को यूज़ करके, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये मास्टर एक स्टार्ट बिट सेंड करेगा हमारे स्लेव को। जब भी हमारा मास्टर स्लेव से कम्युनिकेट करना चाहेगा तब हमेशा वो एक स्टार्ट बिट वैल्यू सेंड करेगा स्लेव को, और उस स्टार्ट बिट का वैल्यू होता है 0। सो गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि SCL और SDA हमेशा पुल अप रहेंगे, तो दैट मीन्स इसका हमेशा वैल्यू हाई रहेगा, दैट इज 1। और जब भी हमारा जो मास्टर है वो कम्युनिकेट करना चाहेगा स्लेव के साथ,
तो वो स्टार्ट बिट सेंड करेगा जो होगा जीरो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जीरो सेंड किया है, और जैसे ही ये जीरो सेंड होगा उसके बाद से हमारा सीरियल क्लॉक यानी कि SCL पिन भी स्टार्ट हो जाएगा और वो एक पल्स की तरह फिर इसके बाद से काम करने लगेगा। तो ये है इसका फर्स्ट प्रोसेस कि सबसे पहले वो एक स्टार्ट बिट को सेंड करेगा स्लेव को। आफ्टर दैट आता है हमारा डिवाइस एड्रेस कि हमारा मास्टर कौन से स्लेव को डेटा सेंड करना चाहता है, हमें वो पता करना है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मैंने कंसिडर किया है एक OLED डिस्प्ले, तो OLED डिस्प्ले का जो डिवाइस एड्रेस होता है वो होता है 3C जो इसका हेक्स कोड है, और अगर इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 4×1000। गाइज I2C कम्युनिकेशन मेथड में हम 7 बिट तक का डिवाइस एड्रेस रख सकते हैं, तो इस 7 बिट डिवाइस एड्रेस होने के कारण ही यहाँ पर हम लोग 128 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक मास्टर के साथ, क्योंकि यहाँ पर फिर जो मैक्सिमम डिवाइस एड्रेसेस पॉसिबल हो सकते हैं वो होंगे 2:7 दैट इज 128। तो इसके लिए यहाँ पर हम 128 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक मास्टर के साथ। तो अब स्टार्ट बिट को सेंड करने के बाद वो डिवाइस एड्रेस को सेंड कर देगा, और इस डिवाइस एड्रेस में सबसे पहले जाएगा ये 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 1, देन 0, 0। तो ऐसे करके ये सारे एड्रेसेस को एक एक करके डिवाइस को सेंड कर देगा। और गाइस यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में आपको रखनी है, वो है कि जब भी हमारा सीरियल क्लॉक SCL पिन जब भी हाई होगा तभी वो डेटा को सेंड करता है, और इसके वजह से ही वो सारे डेटा हमेशा सिंक्रोनस रहते हैं, हमेशा अलाइन रहते हैं और मिक्स नहीं होते कभी भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले हमारा सीरियल क्लॉक हाई हुआ तो इसने 0 को सेंड किया, जब नेक्स्ट टाइम सीरियल क्लॉक हाई हुआ तब 1 को सेंड किया, फिर वापस से नेक्स्ट टाइम सीरियल क्लॉक हाई हुआ तब दूसरा 1 सेंड हुआ। तो ऐसे करते करते जब भी सीरियल क्लॉक हाई होगा SDA पिन तब भी डेटा को सेंड करेगा, तो ऐसा इसका डेटा ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम मास्टर टू स्लेव। अब डिवाइस एड्रेस सेंड करने के बाद जो नेक्स्ट डेटा वो सेंड करता है वो होता है रीड राइट डेटा। अब यहाँ पर हमें स्लेव को बताना है कि हमें डेटा उससे रीड करना है या फिर उसे डेटा सेंड करना है, उस पर डेटा प्रिंट करना है। और अगर आपको डेटा रीड करना है तो हमारा मास्टर सेंड करेगा 1, और अगर डेटा को राइट करना है दैट मीन्स डेटा को सेंड करना है स्लेव पे, तब वो सेंड करेगा 0। अब यहाँ पर ये तो OLED डिस्प्ले है, दैट मीन्स हमें डेटा को प्रिंट करना है, डेटा को सेंड करना है स्लेव को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे राइट। तो इसके लिए जो नेक्स्ट डेटा हमारा मास्टर सेंड करेगा वो होगा 0। तो यहाँ पर एड्रेस सेंड करने के बाद वो सेंड करेगा 0, दैट इज रीड राइट डेटा। अब रीड राइट डेटा सेंड हो जाने के बाद अब इस स्लेव को पता है कि हाँ मेरे साथ मास्टर कम्युनिकेट करना चाहता है और मुझे वो डेटा सेंड करना चाहता है, तब ये स्लेव क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा मास्टर को, और इस एक्नॉलेजमेंट का वैल्यू होता है 0। और अगर सपोज स्लेव बिजी है, स्लेव कोई और मास्टर के साथ डेटा कम्युनिकेट कर रहा है या फिर कोई और दूसरे रीज़न है जिसके वजह से स्लेव डेटा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तब वो सेंड करेगा 1। और अगर सब कुछ बराबर है, हमारा स्लेव रेडी है डेटा को रिसीव करने के लिए, तब वो सेंड करेगा 0। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डेटा रीड राइट के बाद आएगा वो होगा 0। अब जैसे ही ये 0 रिसीव हो जाएगा, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा मास्टर पे, अब मास्टर फुल श्योर है कि वो अपना डेटा स्लेव को सेंड कर सकता है, तो अब वो डेटा को सेंड कर देगा हमारे स्लेव को। और जो भी डेटा सेंड होगा यहाँ पर सबसे पहले 1, ये 1 पहले सेंड होगा जो D7 में स्टोर होगा, फिर सेंड होगा 0 जो यहाँ पर स्टोर होगा, फिर सेंड होगा 1, और ऐसे कर करके ये सारा डेटा लाइन वाइज स्लेव को सेंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट के बाद 1 सेंड हो गया, फिर 0, फिर वापस 1, 0, 1, 0, 1, 0। तो ऐसे करके इसने पूरा डेटा सेंड कर दिया हमारे स्लेव को। अब स्लेव पे डेटा रिसीव हो जाने के बाद स्लेव क्या करेगा, वापस से एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा हमारे मास्टर को, जिससे मास्टर ये श्योर हो जाएगा कि हाँ जो डेटा मास्टर को सेंड करना था वो स्लेव को चला गया और स्लेव ने उसे रिस्पॉन्ड भी कर दिया है उस डेटा के लिए। अब एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद क्या करेगा मास्टर, कम्युनिकेशन स्टॉप कर देगा कि मैंने डेटा सेंड कर दिया है, अब मुझे और कम्युनिकेशन नहीं करना, मैं कम्युनिकेशन को स्टॉप करता हूँ। तो कम्युनिकेशन स्टॉप करने के लिए वो सेंड करेगा एक स्टॉप बिट जो अगेन होगा 0। और ये स्टॉप बिट सेंड करने के बाद SCL और SDA पिन उसके बाद हमेशा के लिए वापस से हाई हो जाएंगे, उन दोनों का वैल्यू वापस से 1 हो जाएगा जब तक अगेन कोई स्टार्ट बिट नहीं आ जाता।
तो गाइस ऐसा इसका कुछ डेटा ट्रांसमिशन होता है आई स्क्वायर सी कम्युनिकेशन मेथड में। अब ये जो ट्रांसमिशन था ये था स्लेव पे डेटा को राइट करने के लिए, मतलब कि डेटा को सेंड करने के लिए। अगर हमें स्लेव से डेटा रिसीव करना होगा तब यहाँ पर कम्युनिकेशन कैसा होगा वो देखते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर एक दूसरा सेंसर है जिसे डेटा सेंड करना है 101010 मास्टर को। अब ये डेटा कैसे सेंड करेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मास्टर ही इनिशिएट करेगा स्टार्ट बिट को सेंड करके, फिर सिमिलरली वो एड्रेस बिट को भी सेंड कर देगा। अब इसके बाद वो क्या सेंड करेगा, रीड राइट का डेटा। यहाँ पर हमें रीड करना है तो जैसा मैंने आपको बताया कि रीड करना है तो डेटा 1 सेंड करना है और राइट अगर करना है तो डेटा 0 सेंड करना है। तो अब यहाँ पर उसे सेंसर से डेटा को रीड करना है तो वो 1 सेंड करेगा, फिर हमारा सेंसर रिस्पॉन्स देगा एक्नॉलेजमेंट में जो होगा 0। अब इस एक्नॉलेजमेंट के बाद हमारा सेंसर खुद ही सारे डेटा को सेंड कर देगा मास्टर को। तो यहाँ पर 101010 था जो ये सेंसर मास्टर को सेंड करने वाला है तो वो इसने यहाँ पर सेंड कर दिया। अब ये डेटा मास्टर पे रिसीव होने के बाद मास्टर एक्नॉलेजमेंट में 1 सेंड कर देगा स्लेव को। गाइज पहले हम लोग ने देखा कि अगर सब कुछ बराबर है तो स्लेव 0 सेंड करता है, बट यहाँ पर अगर मास्टर ने रीड कर लिया है डेटा, मास्टर के पास डेटा आ गया है तो मास्टर 1 सेंड कर देगा एज एन एक्नॉलेजमेंट टू द स्लेव। और ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद वो स्टॉप बिट को भी सेंड कर देगा जिससे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होगा डेटा को रीड करने के लिए आई स्क्वायर सी कम्युनिकेशन मेथड में। सो गाइस आपने अभी देखा कि आई स्क्वायर सी क्या होता है, SCL SDA पिंस क्या होते हैं, कैसे डेटा कम्युनिकेट होता है आई स्क्वायर सी प्रोटोकॉल को यूज करके। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था आई स्क्वायर सी का, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकली आई स्क्वायर सी के डिवाइसेस को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करके बताऊंगा, उसके लिए प्रोग्रामिंग बताऊंगा ताकि आपको आई स्क्वायर सी के बारे में प्रैक्टिकली भी और अच्छे से जानने मिले। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको ऐसे वीडियोज के नोटिफिकेशन आए और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।